अब पूरा समाचार। बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरूको चाप बढेपछि थप कोरोना संक्रमितलाई उपचारका लागि आइसोलेसनमा राख्न नसकिने भएको छ। कोरोना आइसोलेसन वार्ड संक्रमितले भरिएपछि थप कोरोना संक्रमितलाई उपचारका लागि भर्ना गर्न असमर्थ रहेको अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालमा आइतबारदेखि लक्षणसहितका कोविड 19का बिरामीको चाप बढेपछि अस्पतालमा रहेको जनशक्ति तथा अक्सिजन सुविधासहितको बेड अभावमा थप बिरामी भर्ना गर्न असमर्थ हुनुपरेको चिकित्सक डाक्टर पारस पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। भेरी अस्पताल विकास समितिले आयोजना गरेको सर्वपक्षीय बैठकमा अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष प्रमोद हितालले अस्पतालमा 80 जना भन्दा बढी बिरामी भर्ना भएको र तीमध्ये 80% बिरामी गम्भीर प्रकृतिको रहेको बताउनुभयो। डाक्टर एकजना हुनुहुन्छ, धौधौका राख्नु परेको छ र सबै डाक्टरहरू त्यो ढङ्गले हामीले काम गरेका छौँ, तर पनि के छ भन्दाखेरि बिरामीलाई उपचार गर्ने सन्दर्भमा हामीसँग प्रशस्त बेड र हामीसँग प्रशस्त जनशक्ति भएन भने अब हामी हाम्रो काबुभन्दा बाहिर जाँदैछ है। भेरी अस्पतालको काबुभन्दा अब यो कोभिडका बिरामीहरूलाई उपचार गर्ने कुरो अब हाम्रो काबुभन्दा बाहिर जाँदैछ। भेरी अस्पतालमा कोविड 19का बिरामीहरूको लागि लक्षित गरी निर्माण गरिएका 107 बेड रहेका छन्। 16 भेन्टिलेटर मध्ये बुधबारसम्म 6 मात्रै बिरामी भए पनि जनशक्ति अभावका कारण सबै बेड र भेन्टिलेटर सञ्चालनमा ल्याउन कठिन भएको अध्यक्ष धितालको भनाइ छ। पर्साको सदरमुकाम बीरगंज महानगरपालिकामा कोरोना संक्रमितहरूका संख्यामा लगातार वृद्धि भइरहेको छ। गैराती नारायणी अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा थप 38 कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। अस्पतालको प्रयोगशालामा कुल 75 जनाको स्वाब संकलन गरी परीक्षण गरिएकोमा थप 38 कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको अस्पतालका कोविड संयोजक डाक्टर सरोज रोशन दासले जानकारी दिनुभयो। संक्रमण देखिनेमा सबैभन्दा बढी पर्सा जिल्लाका रहेका छन्। पर्साको बीरगंज महानगरपालिकाको विभिन्न वडाका 31 संक्रमण देखिएको दासले बताउनुभयो। बिहिबार राति गरिएको परीक्षणमा बीरगंज महानगरपालिकाको एउटै वडाका 10 संक्रमण देखिएको छ। कुल 38 संक्रमित मध्ये महानगरको वडा नम्बर 4 10 संक्रमण देखिएको छ। यस्तै वडा नम्बर 10 2 संक्रमण देखिएको छ। संक्रमण हुनेमा 1 बालक पनि रहेका छन्। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा आजबाट शैक्षिक संस्थाहरू बन्द भएका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका विपद व्यवस्थापन समितिको बिहिबार बसेको बैठकले एक साताका लागि सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको उपप्रमुख उमा थापा मगरले जानकारी दिनुभयो। नेपालगञ्जमा पछिल्लो समय कोविडको संक्रमण उच्च गतिमा बढेपछि उपमहानगरपालिकाभित्रका विद्यालयहरू बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हो। नगर प्रमुख डाक्टर धवल शमशेर राणाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जिल्लाभरिका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्था बन्दका लागि जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको छ। बैठकले भारतबाट आउनेहरूको सीमा नाकामा स्वास्थ्य परीक्षण तथा एन्टिजेन परीक्षणका लागि थप कडाई गर्ने निर्णय गरेको छ। मास्क अनिवार्य लगाउने लगायतका स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न अनुरोध गर्दै बैठकले बजार अनुगमनलाई पनि कडाई गर्ने निर्णय गरेको छ। बाँकेमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण भन्दा बाहिर गएको चिकित्सकले बताएका छन्। प्रदेश समाचारमा अब छोटो विश्राम। प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। गाउँघरमा अहिले पनि परम्परागत रूपमा पशुपालन गरिन्छ। निर्भरमुखी उत्पादन प्रणालीसँग जोडेर थोरै मात्र पशुपालन गर्ने चलन अहिले पनि कायमै छ। कतिपयले अनुदानकै भरमा बाख्रा पालन गर्दै आइरहेको भए पनि रोल्पाका एक कृषकले भने आफ्नै लगानीमा धेरै संख्यामा बाख्रा पाल्दै आएका छन्।
पशुपालनका हिसाबले सम्भावनायुक्त जिल्लाको रूपमा मानिएको रोल्पामा अहिले व्यावसायिक बाख्रा पालन गर्ने कृषकको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ। कतिपयले सरकारी अनुदान वा सहयोग लिएर बाख्रा पालन गरिरहेका छन् भने कतिपयले परम्परागत पालनलाई केही आधुनिक बनाउँदै सो लगानी बढाइरहेका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा सडक सञ्जालबाट टाढा रहेको परिवर्तन गाउँपालिका वडा नम्बर 6 ओहभला खर्कका कृषक नरबहादुर बुढाले भने आफ्नै लगानीमा 76 बढी बाख्रा पाल्दै आउनु भएको छ। ऋण खर्च गरेर व्यवस्थित गर्छु, बाख्रा खोर राम्रो तरिकाले बनाउँछु भन्ने मेरो सोच हो। अब कहीँ सङ्घ संस्थाबाट, गाउँपालिकाबाट, प्रदेशबाट, अब जिल्लाबाट हेरिदिएपछि अब मैले पनि त्यसमा मेरो पनि हौसला बढ्ने थियो, मैले अब झनै राम्रो गर्ने थिएँ। स्थानीय जात बोयर र बामरी जातको बाख्रा पालन गर्नुभएका नरबहादुरले विकट गाउँमा बाख्रा पालन गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण भएको बताउनुभयो। हिउँदमा घाँसको समस्या हुनुका साथै खानेपानीको समेत अभाव छ। चरन अलि कमै छ, त्यही पनि चराउने त चराउँछु, अब घाँसहरूको लागि अलि समस्या नै छ। घाँसको लागि अब समस्या छ, दानाहरूको लागि समस्या छ, खोरको लागि, एउटा बाटो रोडको लागि पनि एकदम समस्या छैन, टाढा छ। अहिले अब अलिक यहाँ चाहिँ त्यही पनि गाडी आउँदैन, हामीले धेरै टाढाबाट लगभग 2-3 किलोमिटरबाट अब सामानहरू बोक्ने अवस्था छ। अहिलेसम्म परम्परागत घरमा सामूहिक राखिएका बाख्राका लागि अब भने नयाँ खोर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको उहाँको भनाइ छ। अहिले प्रदेश सरकारबाट केही अनुदान पाउने आशामा रहनुभएका कृषक नरबहादुरले नयाँ खोर निर्माण गरिरहेको र अनुदान नपाए पनि व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पालन गर्ने योजना सुनाउनुभयो। अर्काको देशमा गएर म पहिला इन्डिया जान्थेँ, इन्डिया जानेवाला मलाई के भयो भनेपछि एक ठाउँ पैसा ठग्दो एउटाले, त्यहाँदेखि मलाई धेरै दुःख लाग्यो। यस्तो ठाउँमा म आन्न, आफ्नै गाउँघरमा आफ्नै देशमा केही पेसा गरेर नै गर्छु भनेर म यो बाख्रा पालन गर्न लागेको। सरकारी अनुदानलाई दुरुपयोग गर्नुभन्दा कृषकको पहिचान गरी लगानी गर्न सके आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने देखिन्छ। रोल्पाबाट नवीन लोचन मगरको रिपोर्ट। बागलुङ र स्याङ्जामा चट्याङका कारण दुईजनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा ताराखोला गाउँपालिका 2 सिले बस्ने 45 वर्षीय खिमलाल कडेल र स्याङ्जाको फिदीखोला 5 बायाँ फड्के बस्ने 39 वर्षीय ईश्वरी लामिछानेको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै चट्याङ लागेर ताराखोला गाउँपालिका 3 रातमाटा घर भएकी 45 वर्षीय कृष्ण कुमारी कार्की घाइते हुनुभएको छ। गोठमा भैँसी धुन जाँदै गर्दा चट्याङले खिमलालको मृत्यु भएको हो। चट्याङको झड्का लागेर घाइते हुनुभएकी ईश्वरीको गण्डकी अस्पताल पोखरामा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। सप्तरीमा जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट एकजनाको ज्यान गएको छ। राति गहुँ कुर्न खेतमा गएका हनुमाननगर कङ्कालिनी नगरपालिका 1 भारदहका 65 वर्षीय नारायण प्रमाणी राज धोबमाथि हात्तीले आक्रमण गरेको हो। घटनास्थलमा हात्तीको पाइला देखिएको तथा मृतकको छाती, हातसहित शरीरको विभिन्न भागमा नील डाम देखिएकाले हात्तीको आक्रमणबाट उनको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक माधवप्रसाद काफ्लेले जानकारी दिनुभयो। मृतकको शव पोस्टमार्टमका लागि अस्पताल पठाइएको छ भने घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। यता पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिका 3 सवारी दुर्घटनामा परेर आज एकजनाको मृत्यु भएको छ। पूर्वतर्फ गइरहेको ना 6 ख 78 92 नम्बरको बसले विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको 101 ख 552 नम्बरको एम्बुलेन्सलाई ठक्कर दिएपछि दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा परि सिराहाको सुकीपुरका 50 वर्षीय छिदीलाल कामतको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। नेपाल प्रहरीका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नीरज बहादुर शाहीले प्रहरी जनताको सुरक्षामा प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय 12 सिमराको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्दै शाहीले प्रदेश नम्बर 2 30% र अन्य प्रदेशमा 45%सम्म जनशक्ति कम भए पनि नेपाल प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्थापनलाई मजबुत बनाएको बताउनुभयो। प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक शाहीले प्रहरी भर्ना अभियान करिब 1 वर्षदेखि हुन नसकेकाले चाँडै भर्ना खुल्ने बताउनुभयो। हाम्रो सबभन्दा सहायक स्थापना गर्ने प्रकाश हुनुहुन्छ, जो चाहिँ हाम्रो फलोस हुनुहुन्छ विदेशमा, उहाँदेखि लगाएर ईश्वरसम्म जो अधिक माथिल्लो तहमा हामी जुन भर्ना गर्छौँ
सबै हाम्रो चाहिँ लोकसेवाहरू हुन्छ, त्यहाँदेखि त्यो लोकसेवा क्यालेन्डर हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले त्यहाँ के हुँदैछ ढिलो हुन्छ, अहिले अब लोकसेवाको पदाधिकारीहरूको समय सकेर अहिले खाली छ। अब हाम्रो जवानहरूको यहाँ प्रदान दिनुभएको जवानहरू पनि रिटर्न भएर रेल निक्लिरहेको छ, 3,000 चाम्चो छ, 5,000 चाम्चो अहिले खाली भएर हामीले चाहिँ लोकसेवामा फेरि पठाउनु पर्ने भएको छ। 2076 जेठ 6 गतेबाट निर्माण कार्य सुरु गरिएको भवन 8 करोडको लागतमा निर्माण भएको छ। महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिका 8 स्थित राजु हार्डवेयर पसलका व्यापारीमाथि आक्रमण गरी लुटपाट गरेको आरोपमा प्रहरीले 4 युवकलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा मटिहानी 7 बस्ने 30 वर्षीय राजीव यादव, 26 वर्षीय सूरज मण्डल, 17 वर्षीय रामप्रवेश मण्डल र 21 वर्षीय केवल कुमार मण्डल रहेको प्रहरी उपरीक्षक दिनेश कुमार आचार्यले बताउनुभयो। मंगलबार राति 9 बजेको समयमा 5 जनाको समूहमा आएका युवाले पसलको ढोका तोडफोड गरी भित्र पसेर पसले राजु चौधरी तथा उनका छोरा गौरव चौधरीलाई अश्लील गाली गलौज गर्नुका साथै मोटरसाइकलको हेलमेट र लात्तीले कुटपिट र लुटपाट गरेको पीड़ित पसले बताए। मदिरा खाएर मातिएका युवाको समूहले पसले राजुको पसलको गल्लाबाट 3,00,000 रुपियाँ र एउटा मोबाइल लुटेर लगेको राजुले बताएका छन्। अन्त्यमा प्रमुख प्रदेश समाचार। बाँकेको नेपालगञ्जस्थित भेरी अस्पतालमा गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको चाप बढ्यो, थप कोरोना संक्रमितलाई व्यवस्थापन गर्न असहज। रोल्पामा व्यावसायिक बाख्रा पालन गर्ने कृषकको संख्यामा वृद्धि, प्रदेश सरकारबाट अनुदानको आशा। र नेपाल प्रहरी नागरिकको सुरक्षामा कटिबद्ध रहेको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक शाहीको भनाई, प्रहरी जनशक्ति कम भएको स्थानमा थपिने। प्रदेश समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनता समाचार .com पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईँको सहभागिता, समयमा समाचार, हाम्रो प्रतिबद्धता। नमस्कार। नेपालकै सबैभन्दा ठूलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टील्स, जे बन्छ दिगो बन्छ। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अर्घाखाँची ओपीसी सिमेन्ट, सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। निष्पक्ष, तटस्थ र सन्तुलित समाचारका लागि हेर्नुहोस् जनता समाचार .com। नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत। बास सबसे पहले प्रमुख समाचार।
कर्णाली प्रदेश की प्रदेश सभा बैठक में छल, मुख्यमंत्री शाही आदि प्रदेश सभा में विश्वास के मत लिखे। कोरोना वायरस के संक्रमण देखल गए विद्यालय एक हफ्ता बंद करे के काठमांडू महानगर पालिका के निर्णय, वैकल्पिक माध्यम से पढ़ावेला सुझाव। वर्षा के सदर मुकाम बीरगंज महानगर पालिका में कोरोना संक्रमित के संख्या में लगातार वृद्धि, बांके के नेपालगंज उप महानगर पालिका में आज से एक हफ्ताला शैक्षिक संस्था बंद। अमेरिका द्वारा रूस विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगावल घोषणा, 10 रूसी कूटनीतिज्ञ के देश छोड़ेला निर्देशन। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के पहल का जीत, दिल्ली कैपिटल्स 3 विकेट से हारल। दैनिक 1400 टन फलामे छड उत्पादन गर्दै नेपालकै सबैभन्दा ठूलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी बनेको छ अम्बे स्टील्स। जे बन्छ दिगो बन्छ। शिलान्यास रिद्धि सिद्धि सँगको मजबुती युग युग सम्म हो। अब विश्वस्त हुने पालो तपाईको। ल रतुवा, अब अरु केही पाउँदैनस्, रक्षा चाहिँ तेरी भाइ। मलाई रक्षा मात्र होइन काकु, पूजा पनि चाहिन्छ एभ्रीडे। हो काकु, मलाई पनि पूजा त चाहिन्छै चाहिन्छ। राम 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 राम, के सुन्दै छु म? यो सुन्ने कुरा होइन काकु, आने कुरा हो के? पेट पूजा तयारी चाउ चाउ, जहाँ भोक हुन्छ त्यहाँ पेट पूजा हुन्छ। सक्की गोनी But you're ready for freshness of fruit. Put on to pias, energy goes sad. Heart in freshness goes sad. Oh, 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 oh. Real freshness and energy. Wake up with new energy. Real Jagao Manma Fruits Ko Energy. X-ray Pravidi Dwara Cement Ko Gunastar Parikshan Garne सर्वोत्तम सीमेंट, सर्वोत्तम मजबूती। अब पूरा समाचार। कर्णाली प्रदेश के प्रदेश सभा बैठक भइरहल बा। आज के बैठक में मुख्यमंत्री महेन्द्र बहादुर शाही नेपाल के संविधान के धारा 199 के दो बमोजिम विश्वास के मत लिहे। कर्णाली में सभामुख सहित नेकपा एमाले के 20, माओवादी केन्द्र के 12, कांग्रेस के 6, आराप्रपा के 1 सांसद बाठे लोग। नेकपा माओवादी विश्वास के मत में बहुमत जुटावे खातिर प्रयास कर रहल बा। शाही नेतृत्व के सरकार कर्णाली में विकास निर्माण के काम में गति देहल कहत माओवादी विश्वास के मत देवेला आह्वान कैले बा, लेकिन नेकपा एमाले विश्वास के मत असफल करे के रणनीति में बाटे। दोनों पार्टी नेपाली कांग्रेस के आपन पक्ष में करे के कोशिश में लागल बाटे। विश्वास के मत लेवे खातिर मुख्यमंत्री शाही नेपाली कांग्रेस राप्रपा आ एमाले भीतर के ही कमती में एक सांसद अपना ओर मिलावे के संभावना देखल गेल बा। काठमांडू महानगर पालिका कोरोना वायरस के संक्रमण देखल गेल विद्यालय एक हफ्ता बंद करे के निर्णय कैले बा। विद्यालय के शिक्षक विद्यार्थी या कर्मचारी में कोरोना संक्रमण भइल मिलला पर विद्यालय बंद करे खातिर काठमांडू महानगर पालिका आग्रह कैले बा। विद्यालय बंद रहल समय में वैकल्पिक माध्यम से शिक्षण करावेला महानगर पालिका सुझाव देले बा। वही लेखा कोरोना वायरस के संक्रमण ना देखल विद्यालय में भी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय से जारी कैल गेल मापदंड सबके कड़ाई के साथ पालना करे के कहल गेल बा। वर्षा के सदरमुकाम बीरगंज महानगर पालिका में कोरोना संक्रमित सबके संख्या में लगातार वृद्धि हो रहल बा। काल्हू रात नारायणी अस्पताल में कल गेल परीक्षण में थप 38 जने में कोरोना संक्रमण के पुष्टि भइल ह। अस्पताल के प्रयोगशाला में कुल 75 जने के स्वाब संकलन करके परीक्षण कल गेल में थप 38 जने में कोरोना संक्रमण के पुष्टि भइल। अस्पताल के कोविड संयोजक डॉक्टर सरोज रोशन दास जानकारी देहनी।
संक्रमण देखे वाला में सबसे बेसी परसा जिला के बा परसा के बीरगंज महानगर पालिका के विभिन्न वार्ड के 31 जने में संक्रमण देखल गेल दास बतौले बानी। बीएफए के रात कल गेल परीक्षण में बीरगंज महानगर पालिका के एक वार्ड के 10 जने में संक्रमण देखल गेल बा। कुल 38 जने संक्रमित मध्य महानगर के वार्ड नंबर 4 में 10 जने में संक्रमण देखल गेल बा। वही लेखा वार्ड नंबर 10 में 2 जने में संक्रमण देखल गेल बा। संक्रमण होखे वाला में एक बरस के बालक भी बढ़न। बांकी के नेपालगंज उपमहानगर पालिका में आज से शैक्षिक संस्था सब बंद भइल बा। नेपालगंज उपमहानगर पालिका विपद व्यवस्थापन समिति के बीएफए के बैठल बैठक एक हफ्ता खातिर संपूर्ण शैक्षिक संस्था सब बंद करे के निर्णय कैल। उपप्रमुख उमा थापा मगर जानकारी दिले बानी। नेपालगंज में पिछला समय कोविड के संक्रमण उच्च गति में बढ़ला बाद उपमहानगर पालिका भीतर के विद्यालय सब बंद करे के निर्णय कैल गेल ह। नगर प्रमुख डॉक्टर धवल शमशेर राणा के अध्यक्षता में बैठल बैठक जिला भर के संपूर्ण शैक्षिक संस्था बंद खातिर जिला संकट व्यवस्थापन केन्द्र के बैठक में प्रस्ताव ले जावे के निर्णय कैल गेल बा। बैठक द्वारा भारत से आवे वाला लोग के सीमा नाका में स्वास्थ्य परीक्षण तथा एंटीजेन परीक्षण खातिर थप कड़ाई करे के निर्णय भी कैल गेल बा। मास्क अनिवार्य पहिरे के लगायत के स्वास्थ्य मापदंड पालना करे के अनुरोध करत बैठक बाजार अनुगमन के भी कड़ाई करे के निर्णय कैल गेल बा। बांकी में कोरोना संक्रमण नियंत्रण से बाहर गए चिकित्सक लोग के कहनाम बाटे। बांकी के नेपालगंज स्थित भेरी अस्पताल में गंभीर प्रकृति के बीमार के चाप बढ़ला बाद थप कोरोना संक्रमित के इलाज खातिर आइसोलेशन में राखे ना सके के जनावल गेल बा। कोरोना आइसोलेशन वार्ड संक्रमित सब से भरला बाद थप कोरोना संक्रमित के इलाज खातिर भरना करेला असमर्थ रहल अस्पताल जनौले बा। अस्पताल में इतवार से लक्षण सहित के कोविड 19 के बीमार के चाप बढ़ला बाद अस्पताल में रहल जनशक्ति आ ऑक्सीजन सुविधा सहित के बेड अभाव में थप बीमार भरना करेला असमर्थ रहल चिकित्सक डॉक्टर पारस पांडे जानकारी देने। भेरी अस्पताल विकास समिति द्वारा आयोजन कल गेल सर्वपक्षीय बैठक में अस्पताल विकास समिति के अध्यक्ष प्रमोद धीताल अस्पताल में 80 जने से बेसी बीमार भर्ना भइल आ ओ मध्य 80% बीमार गंभीर प्रकृति के रहल भी बतौले बानी। सबै डाक्टरहरु त्यो ढंगले हामीले काम गरेका छौँ तर पनि के छ भन्दाखेरि बिरामीलाई उपचार गर्ने सन्दर्भमा हामीसँग प्रशस्त बेड र हामीसँग प्रशस्त जनशक्ति भएन भने अब हामी हाम्रो काबुभन्दा बाहिर जाँदैछ है। भेरी अस्पतालको काबुभन्दा अब यो कोभिडका बिरामीहरूलाई उपचार गर्ने कुरो अब हाम्रो काबुभन्दा बाहिर जाँदैछ। भेरी अस्पताल में कोविड 19 के बीमार खातिर लक्षित करके निर्माण कल गए 107 बेड बाटे सोरे गो वेंटिलेटर मध्य बुध तक 6 गो में मात्रे बीमार भैला पर भी जनशक्ति अभाव के चलते सभी बेड आ वेंटिलेटर संचालन में लियावे में कठिनाई भइल अध्यक्ष धीताल के कहनाम बाटे। सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश में सिफारिश कुमार चुड़ाल आ नकुल सुवेदी के आज संसदीय सुनवाई हो रहल बा। चुड़ाल आ सुवेदी विरुद्ध संसदीय सुनवाई समिति में 7 गो उजुरी पड़ल बा। संसदीय सुनवाई समिति से उजुरी आह्वान कैल समय भीतरे चुड़ाल विरुद्ध 2 आ सुवेदी के विरुद्ध 5 गो उजुरी पड़ल बा। चैत 4 गते बैठल संसदीय सुनवाई समिति द्वारा प्रस्तावित न्यायाधीश पर चुड़ाल आ सुवेदी के विरुद्ध 10 दिन भीतरे उजुरी देवेला आह्वान कैल गेल रहे। चुड़ाल के विरुद्ध सरकारी जगह जालसाजी कैल उजुरी पड़ल बा तो सुवेदी के विरुद्ध योग्यता के प्रश्न उठावल गेल बा। लेकिन सर्वोच्च सुवेदी की योग्यता सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश बने पुगल फैसला कर चुकल बाटे। भोजपुरी समाचार में आप छोड़ विश्राम। नेपालकै पहिलो र अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेशनल लाइफ उच्चतम प्रतिफल र सुरक्षित भविष्यको लागि भनेर होइन भनेर नम्बर 1 यो हो जगदम्बा स्टील्स। मजबुत निर्माणको अभिभार पूरा गर्न आएको थियो अर्घखाँची। भूकम्पले देश हल्लायो तर अर्घखाँचीको हिम्मत हल्लाउन सकेन। अघि बढ्दै गयो, भरोसा जित्दै गयो, उपभोक्ताको आवश्यकता पूरा गर्न आफ्नो क्षमता बढाउँदै गयो। महामारीको संकटमा पनि
उत्पादन र आपूर्ति गर्दै गयो, अघि बढ्दै गयो। अब उठौ अघि बढौ, अर्घाखाँची सिमेन्ट, अर्घाखाँची ओपीसी सिमेन्ट, सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। सुबिसुको 5G प्लस डुअल ब्यान्ड राउटर, इन्टरनेट अनुभवलाई अझ उत्कृष्ट बनाउनुहोस् सुबिसुको 5G प्लस डुअल ब्यान्ड राउटरको साथमा। 20 MBPS इन्टरनेट मात्र 1100 प्रति महिनामा र 30 MBPS इन्टरनेट र फुल क्लियर टिभी HD प्याकेज मात्र रु 1208 प्रति महिनामा। शर्त तथा नियमहरू लागू हुनेछन्। थप जानकारीका लागि www.subisu.net.np। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। नेपाल प्रहरी के प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नीरज बहादुर शाही प्रहरी जनता के सुरक्षा में प्रतिबद्ध रहन बताउने बानी। इलाका प्रहरी कार्यालय बारा सिमरा के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन करत शाही प्रदेश नंबर 2 में 30% आ अन्य प्रदेश में 45% तक जनशक्ति कम भैला पर भी नेपाल प्रहरी द्वारा सुरक्षा व्यवस्थापन के मजबूत बनावल बताउने बानी। प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक शाही प्रहरी भर्ना अभियान करीब 1 वर्ष से होके ना सकल कारण जल्दी ये भर्ना खुली के भी बताउले बानी। प्रकाश भन्छ हाम्रो सबभन्दा सहायक स्थापकार भने प्रकाश भन्छ, जो चाहिँ हाम्रो फलोस भन्छ विदेशमा, उहाँदेखि लगाएर ईश्वरसम्म जो अधिक माथिल्लो तहमा हामी जुन भर्ना गर्छौँ उहाँ सबै हाम्रो चाहिँ लोकसेवाहरू हुन्छ, त्यहाँदेखि त्यो लोकसेवा क्यालेन्डर हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले त्यहाँ के हुँदैछ ढिलो हुन्छ, अहिले अब लोकसेवा उपाध्यायहरूको समय सकेर अहिले खाली छ, अब हाम्रो जवानहरूको यहाँको जन्मदिन भएर जवानहरू पनि रिटर्न भएर रियल निक्लिरहेको छ, 3,000 चान्सेस छ, 5,000 चान्सेस अहिले खाली भएर हामीले चाहिँ लोकसेवामा फेरि पठाउनु पर्ने भएको छ। 2076 जेठ 6 गते से निर्माण कार्य शुरू कैल गेल भवन 8 करोड़ के लागत में निर्माण भइल बा। मौतरी के मटिहानी नगरपालिका 8 स्थित राजू हार्डवेयर दुकान के व्यापारियों पर आक्रमण करके लूटपाट के आरोप में प्रहरी 4 युवक के पकड़ ले बाटे। पकड़ाए वाला में मटिहानी 7 रहे वाला 30 बरस के राजीव यादव, 26 बरस के सूरज मंडल, 17 बरस के राम प्रवेश मंडल आ 21 बरस के केवल कुमार मंडल रहल, प्रहरी उपरीक्षक दिनेश कुमार आचार्य बताउले बानी। मंगर के रात 9 बजे के समय में 5 जने के समूह में आयल युवा दुकान के दरवाजा तोड़फोड़ करके भीतर ढुक के दुकानदार राजू चौधरी आ उनकर बेटा गौरव चौधरी के अश्लील गाली गलौज करे के साथ ही मोटरसाइकिल के हेलमेट आ लात से मारपीट कैल, साथ ही लूटपाट कैल, पीड़ित दुकानदार बतौले बड़न। मदिरा पी के आयल युवा के समूह दुकानदार राजू के दुकान के गल्ला पैसा राखे वाला जगह से 3,00,000 रुपया आ एगो मोबाइल लूट के ले गए राजू बतौले बड़न। सप्तरी में जंगली हाथी के आक्रमण से एक जने के जान गई बाटे। रात के गेहूं खेत में गई हनुमान नगर कंकालिनी नगर पालिका एक भारदा के 65 वर्ष के नारायण प्रमाणी राज धोब ऊपर हाथी आक्रमण कैले रहे। घटनास्थल में हाथी के पैर के निशान दिखा पड़ल आ मृतक के छाती हाथ सहित शरीर के विभिन्न हिस्सा में नील डाम देखा पड़ल कारण हाथी के आक्रमण से उनकर मृत्यु भइल। जिला प्रहरी कार्यालय के प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव प्रसाद काफली जानकारी दिले बानी। मृतक के शव पोस्टमार्टम खातिर अस्पताल पेठावल गेल बा, घटना के बारे में थप अनुसंधान हो रहल बाटे। इन्हे पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत सप्तरी के शंभुनाथ नगर पालिका 3 में सवारी दुर्घटना में पड़के आजू एक जने के मृत्यु भइल बा। पूरब से आ रहल ना चौखा 7892 नंबर के बस विपरीत दिशा से आ रहल 101 552 नंबर के एम्बुलेंस के ठोकर देहला बाद दुर्घटना भइल ह। दुर्घटना में पड़के सिराहा के सुखीपुर के 50 वर्ष के छेदीलाल कामत के घटनास्थल में ही मृत्यु भइल, जिला प्रहरी कार्यालय जानकारी देले बा। ठनका के कारण 2 जने के मृत्यु भइल बा। काल्हु रात गिरल ठनका के चलते बागलुंग आ स्याङ्जा के 2 जने के मृत्यु भइल ह। मृत्यु के बेला में ताराखोला गांव पालिका 2 सिले रहे वाला 45 वर्ष के खिमलाल खड़ेल आ स्याङ्जा के फेदीखोला 5 बायां फड़के रहे वाला 39 वर्ष के ईश्वरी लामी छाने के मृत्यु भइल, प्रहरी जनौले बा। ओही लेखा ठनका गिर के ताराखोला गांव पालिका 3 रातामाटा घर भइल, 45 वर्ष के कृष्ण कुमारी कार्की घायल भइल बाड़ी। गुआस में भैंसी दुहे जात समय ठनका से खिमलाल के मृत्यु भइल ह। ठनका लाके घायल भइल ईश्वरी के गंडकी अस्पताल पोखरा में इलाज के क्रम में मृत्यु भइल बा। अब आर्थिक समाचार।
आर्थिक समाचार के साथ में अर्घाखाँची ओपीसीसी में सबै भन्दा स्तरीय सिमेन्ट। आज सोना के भाव तोला में 700 रुपया से बढ़ल बा। बजार में छापा वाला सोना प्रति तोला 90,500 रुपया में कारोबार भेल। नेपाल सुन चांदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। बीएफए के छापा वाला सोना प्रति तोला 89,800 रुपया में कारोबार भेल रहे। आज तेजाबी सोना प्रति तोला 90,000 रुपया में कारोबार हो रहल महासंघ जनौले बा। चांदी के भाव तोला में 10 रुपया से बढ़ के प्रति तोला 1,300 रुपया में कारोबार हो रहा बा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना प्रति औंस 1,747 डॉलर के करीब में कारोबार हो रहा बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। तपाईं आफ्नो विद्यालय कलेज सामुदायिक केन्द्र वा गाउँमा पुस्तकालय बनाउन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्झनुहोस्। हामी तपाईँको आवश्यकता अनुसारका स्वदेशी र विदेशी पुस्तक सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउँछौँ। असल पुस्तकले जीवन परिवर्तन गर्दछ। जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेड। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका रूस विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगावल घोषणा कैले बा। अमेरिका 10 रूसी कूटनीतिज्ञ के भी देश छोड़ेला निर्देशन देले बा। रूसी प्रशासन केन्द्र क्रेमलिन अमेरिकी निर्वाचन में हस्तक्षेप विशाल साइबर आक्रमण आ अन्य शत्रुतापूर्ण गतिविधि कैल आरोप में अमेरिका से प्रतिबंध के घोषणा कैल बतौले बा। रूस आपन गतिविधि मार्फत अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक तथा आर्थिक वातावरण के अस्थिर बनौला पर अमेरिका प्रभावकारी ढंग से आगे बढ़ सकेला कहवाला संदेश राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकारी आदेश मार्फत देवे के खोजल बतावल गेल बा। कोरोना संक्रमण बढ़ला बाद दिल्ली सरकार वीकेंड कर्फ्यू लगावे के घोषणा कैले बा। वीकेंड कर्फ्यू आज रात 10 बजे से आवे वाला सोमवार के सवेरे 6 बजे तक लागू होखे। 5 हफ्ता में दिल्ली में कोरोना संक्रमित की संख्या 25 गुना से बढ़ला बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये निर्णय लेलन। ये सीजन विवाह के सीजन भैला से विवाह समारोह में सहभागी होखेला ई पास के व्यवस्था भी कैल जाए। नया नियम मुताबिक मॉल जिम स्पा ऑडिटोरियम बाजार आ निजी ऑफिस बंद रही। सिनेमा हॉल 30% दर्शक रखे किस्म से खुला रहे। रेस्टोरेंट में बैठ के खाए के ना मिली होम डिलीवरी मात्रे कैल जाए। अब खेलकूद समाचार। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स पहिलका जीत दर्ता कैले बा। कालू रात भेल खेल में दिल्ली कैपिटल्स के 3 विकेट से हरावत राजस्थान पहिलका जीत निकालना खा। दिल्ली से देहल 148 रन के लक्ष्य राजस्थान 19 ओवर 4 बॉल में 7 विकेट गंवा के पूरा कैलक। इससे पहले टॉस हार के पहले बैटिंग कैल दिल्ली 20 ओवर में 8 विकेट गंवा के 147 रन बनौले रहे। जीत संगे राजस्थान 2 खेल में 2 अंक जोड़ले बा। राजस्थान लीग के 5वां स्थान में बा। दिल्ली 2 खेल में 2 अंक जोड़ के 4था स्थान में बा। दिल्ली के ई पहिलका हार हा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। कर्णाली प्रदेश के प्रदेश सभा बैठक बैठल। मुख्यमंत्री शाही आज प्रदेश सभा में विश्वास के मत लिए। कोरोना वायरस के संक्रमण देखल गए विद्यालय 1 हफ्ता बंद करे के काठमांडू महानगर पालिका के निर्णय। वैकल्पिक माध्यम से पढ़ावेला सुझाव। वीरगंज महानगर पालिका में कोरोना संक्रमित के संख्या में लगातार वृद्धि। नेपालगंज उपमहानगर पालिका में आज से 1 हफ्ता ला शैक्षिक संस्था सब बंद। अमेरिका द्वारा रूस विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगावल घोषणा। 10 रूसी कूटनीतिज्ञ के देश छोड़ेला निर्देशन। आ इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के पहिलका जीत। दिल्ली कैपिटल्स 3 विकेट से हारल।
भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनताद्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब ट्विटर फेसबुक का हमने के वेबसाइट jantasamachar.com में भी पढ़ आ देख सकता नहीं। सूचना में अपने के सहभागिता समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। नमस्कार।
नेपालकै सबैभन्दा ठूलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टील्स जे बन्छ दिगो बन्छ। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार। अर्घाखाँची ओपीसी सिमेन्ट सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। निष्पक्ष तटस्थ र सन्तुलित समाचारका लागि हेर्नुहोस् jantasamachar.com। नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। कर्णाली प्रदेश प्रदेश सभा बैठक बैठल, मुख्यमंत्री शाही आदि प्रदेश सभा में विश्वास के मत लिखे। कोरोना वायरस के संक्रमण देखल गए विद्यालय एक हफ्ता बंद करे के काठमांडू महानगर पालिका के निर्णय, वैकल्पिक माध्यम से पढ़ावेला सुझाव। वर्षा के सदर मुकाम बीरगंज महानगर पालिका में कोरोना संक्रमित के संख्या में लगातार वृद्धि, बांकी के नेपालगंज उप महानगर पालिका में आज से एक हफ्ताला शैक्षिक संस्था बंद। अमेरिका द्वारा रूस विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगावल घोषणा, 10 रूसी कूटनीतिज्ञ के देश छोड़ेला निर्देशन। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के पहलका जीत, दिल्ली कैपिटल्स 3 विकेट से हारल। दैनिक 1400 टन फलामे छड उत्पादन गर्दै नेपालकै सबैभन्दा ठूलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी बनेको छ अम्बे स्टील्स। जे बन्छ दिगो बन्छ। शिलान्यास रिद्धि सिद्धि संघको मजबुती युग युग सम्म हो। अब विश्वस्त हुने पालो तपाईको। ल रतुवा, अब अरु केही पाउँदैनस्, रक्षा चाहिँ तेरी भाइ। मलाई रक्षा मात्र होइन काकु, पूजा पनि चाहिन्छ एभ्रीडे। हो काकु, मलाई पनि पूजा त चाहिन्छै चाहिन्छ। राम 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 राम, के सुन्दै छु म? यो सुन्ने कुरा होइन काकु, आने कुरा हो के? पेट पूजा तयारी चाउचाउ, जहाँ भोक हुन्छ त्यहाँ पेट पूजा हुन्छ। सक्की गोनी रिफ्रेशर्स एन्ड एनर्जी जगाउ मनमा एनर्जी। I'm feeling the heat, much ready for freshness of fruit. Bujhau to pyaas, energy ko saath, har din freshness ko saath. Oh, 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 oh. Real freshness and energy, wake up with new energy. Real, jagao man ma, fruits ko energy. X-ray pravidhi dwara सिमेन्ट को गुणस्तर परीक्षण गर्ने, सर्वोत्तम सिमेन्ट सर्वोत्तम मजबूती। अपुरा समाचार। कर्णाली प्रदेश के प्रदेश सभा बैठक बैठरहल बा। आज के बैठक में मुख्यमंत्री महेन्द्र बहादुर शाही नेपाल के संविधान के धारा 199 के दो बमोजिम विश्वास के मत लिहे। कर्णाली में सभामुख सहित नेकपा एमाले के 20, माओवादी केन्द्र के 12, कांग्रेस के 6, आराप्रपा के 1 सांसद बाटे लोग। नेकपा माओवादी विश्वास के मत में बहुमत जुटावे खातिर प्रयास कर रहल बा। शाही नेतृत्व के सरकार कर्णाली में विकास निर्माण के काम में गति देहल कहत माओवादी विश्वास के मत देवेला आह्वान कैले बा, लेकिन नेकपा एमाले विश्वास के मत असफल करे के रणनीति में बाटे। दोनों पार्टी नेपाली कांग्रेस के आपन पक्ष में करे के कोशिश में लागल बाटे। विश्वास के मत लेवे खातिर मुख्यमंत्री शाही नेपाली कांग्रेस राप्रपा आ एमाले भीतर के ही कमती में एक सांसद अपना ओर मिलावे के संभावना देखल गेल बा। काठमांडू महानगर पालिका कोरोना वायरस के संक्रमण देखल गेल विद्यालय एक हफ्ता बंद करे के निर्णय कैले बा। विद्यालय के शिक्षक विद्यार्थी या कर्मचारी में कोरोना संक्रमण भइल मिलला पर विद्यालय बंद करे खातिर काठमांडू महानगर पालिका आग्रह कैले बा।
विद्यालय बंद रहल समय में वैकल्पिक माध्यम से शिक्षण करावेला महानगर पालिका सुझाव देले बा। वही लेखा कोरोना वायरस के संक्रमण ना देखल विद्यालय में भी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय से जारी कैल गेल मापदंड सबके कड़ाई के साथ पालना करे के कहल गेल बा। वर्षा के सदर मुकाम बीरगंज महानगर पालिका में कोरोना संक्रमित सबके संख्या में लगातार वृद्धि हो रहल बा। कालू रात नारायणी अस्पताल में कल गेल परीक्षण में थप 38 सने में कोरोना संक्रमण के पुष्टि भइल ह। अस्पताल के प्रयोगशाला में कुल 75 जने के स्वाब संकलन करके परीक्षण कल गेल में थप 38 सने में कोरोना संक्रमण के पुष्टि भइल। अस्पताल के कोविड संयोजक डॉक्टर सरोज रोशन दास जानकारी देने संक्रमण देखे वाला में सबसे बेसी परसा जिला के बा। परसा के बीरगंज महानगर पालिका के विभिन्न वार्ड के 31 सने में संक्रमण देखल गेल दास बतौले बानी। बीएफए के रात कल गेल परीक्षण में बीरगंज महानगर पालिका के एक वार्ड के 10 सने में संक्रमण देखल गेल बा। कुल 38 सने संक्रमित मध्य महानगर के वार्ड नंबर 4 में 10 जने में संक्रमण देखल गेल बा। वही लिखा वार्ड नंबर 10 में 2 जने में संक्रमण देखल गेल बा। संक्रमण होखे वाला में एक बरस के बालक भी बढ़न। बांकी के नेपालगंज उपमहानगर पालिका में आज उसे शैक्षिक संस्था सब बंद भइल बा। नेपालगंज उपमहानगर पालिका विपद व्यवस्थापन समिति के बीएफए के बैठक एक हफ्ता खातिर संपूर्ण शैक्षिक संस्था सब बंद करे के निर्णय कैल। उप प्रमुख उमा थापा मगर जानकारी दिले बानी। नेपालगंज में पिछला समय कोविड के संक्रमण उच्च गति में बढ़ला बाद उपमहानगर पालिका भीतर के विद्यालय सब बंद करे के निर्णय कैल गेल ह। नगर प्रमुख डॉक्टर धवल शमशेर राणा के अध्यक्षता में बैठल बैठक जिला भर के संपूर्ण शैक्षिक संस्था बंद खातिर जिला संकट व्यवस्थापन केन्द्र के बैठक में प्रस्ताव ले जावे के निर्णय कैल गेल बा। बैठक द्वारा भारत से आवे वाला लोग के सीमा नाका में स्वास्थ्य परीक्षण तथा एंटीजेन परीक्षण खातिर थप कड़ाई करे के निर्णय भी कैल गेल बा। मास्क अनिवार्य पहिरे के लगायत के स्वास्थ्य मापदंड पालना करे के अनुरोध करत बैठक बाजार अनुगमन के भी कड़ाई करे के निर्णय कैल गेल बा। बांके में कोरोना संक्रमण नियंत्रण से बाहर गेल चिकित्सक लोग के कहनाम बाटे। बांके के नेपालगंज स्थित भेरी अस्पताल में गंभीर प्रकृति के बीमार के चाप बढ़ला बा। थप कोरोना संक्रमित के इलाज खातिर आइसोलेशन में राखे ना सके के जनावल गेल बा। कोरोना आइसोलेशन वार्ड संक्रमित सब से भरला बा थप कोरोना संक्रमित के इलाज खातिर भरना करेला असमर्थ रहल अस्पताल जनौले बा। अस्पताल में इतवार से लक्षण सहित के कोविड 19 के बीमार के चाप बढ़ला बाद अस्पताल में रहल जनशक्ति आ ऑक्सीजन सुविधा सहित के बेड अभाव में थप बीमार भरना करेला असमर्थ रहल चिकित्सक डॉक्टर पारस पांडे जानकारी देने। भेरी अस्पताल विकास समिति द्वारा आयोजन कल गेल सर्वपक्षीय बैठक में अस्पताल विकास समिति के अध्यक्ष प्रमोद धीताल अस्पताल में 80 जने से बेसी बीमार भर्ना भइल आ ओ मध्य 80% बीमार गंभीर प्रकृति के रहल भी बतौले बानी। सबै डाक्टरहरु त्यो ढंगले हामीले काम गरेका छौँ तर पनि के छ भन्दाखेरि बिरामीलाई उपचार गर्ने सन्दर्भमा हामीसँग प्रशस्त बेड र हामीसँग प्रशस्त जनशक्ति भएन भने अब हामी हाम्रो काबुभन्दा बाहिर जाँदैछ है। भेरी अस्पतालको काबुभन्दा अब यो कोभिडका बिरामीहरूलाई उपचार गर्ने कुरो अब हाम्रो काबुभन्दा बाहिर जाँदैछ। भेरी अस्पताल में कोविड 19 के बीमार खातिर लक्षित करके निर्माण कल गेल 107 बेड बाटे 16 गो वेंटिलेटर मध्य बुध तक 6 गो में मात्रे बीमार भइला पर भी जनशक्ति अभाव के चलते सभी बेड आ वेंटिलेटर संचालन में लियावे में कठिनाई भइल अध्यक्ष धीताल के कहनाम बाटे। सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश में सिफारिश कुमार चुड़ाल आ नकुल सुवेदी के आज संसदीय सुनवाई हो रहा बा। चुड़ाल आ सुवेदी विरुद्ध संसदीय सुनवाई समिति में 7 गो उजुरी पड़ल बा। संसदीय सुनवाई समिति से उजुरी आह्वान कैल समय भीतरे चुड़ाल विरुद्ध 2 आ सुवेदी के विरुद्ध 5 गो उजुरी पड़ल बा। चैत 4 गते बैठल संसदीय सुनवाई समिति द्वारा प्रस्तावित न्यायाधीश पर चुड़ाल आ सुवेदी के विरुद्ध 10 दिन भीतरे उजुरी देवेला आह्वान कैल गेल रहे। चुड़ाल के विरुद्ध सरकारी जगह जालसाजी कैल उजुरी पड़ल बा तो सुवेदी के विरुद्ध योग्यता के प्रश्न उठावल गेल बा। लेकिन सर्वोच्च सुवेदी की योग्यता सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश बने पुगल फैसला कर चुकल बाटे।
भोजपुरी समाचार में आप छोड़ विश्राम। नेपालकै पहिलो र अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेशनल लाइफ, उच्चतम प्रतिफल र सुरक्षित भविष्यको लागि भनेर होइन, भनेर नम्बर वन यो हो जगदम्बा स्टील्स। मजबुत निर्माणको अभिभारा पूरा गर्न आएको थियो अर्घखाँची। भूकम्पले देश हल्लायो तर अर्घखाँचीको हिम्मत हल्लाउन सकेन। अघि बढ्दै गयो, भरोसा जित्दै गयो, उपभोक्ताको आवश्यकता पूरा गर्न आफ्नो क्षमता बढाउँदै गयो, महामारीको संकटमा पनि उत्पादन र आपूर्ति गर्दै गयो, अघि बढ्दै गयो। अर्घाखाँची ओपीसी सिमेन्ट, सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। सुबिसुको 5G प्लस डुअल ब्यान्ड राउटर, इन्टरनेट अनुभवलाई अझ उत्कृष्ट बनाउनुहोस् सुबिसुको 5G प्लस डुअल ब्यान्ड राउटरको साथमा। 20 MBPS इन्टरनेट मात्र 1100 प्रति महिनामा र 30 MBPS इन्टरनेट र फुल क्लियर टिभी HD प्याकेज मात्र रु 1208 प्रति महिनामा। शर्त तथा नियमहरू लागू हुनेछन्। थप जानकारीका लागि www.subisu.net.np। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। नेपाल प्रहरी के प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नीरज बहादुर शाही प्रहरी जनता के सुरक्षा में प्रतिबद्ध रहल बताउने बानी। इलाका प्रहरी कार्यालय 12 सिमरा के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन करत शाही प्रदेश नंबर 2 में 30% आ अन्य प्रदेश में 45% तक जनशक्ति कम भइला पर भी नेपाल प्रहरी द्वारा सुरक्षा व्यवस्थापन के मजबूत बनावल बताउने बानी। प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक शाही प्रहरी भर्ना अभियान करीब 1 वर्ष से होके ना सकल कारण जल्दी ये भर्ना खुली के भी बताउने बानी। प्रकाश भन्दै हुन्छ हाम्रो सबभन्दा सहायक प्रकाश भन्नुहुन्छ जो चाहिँ हाम्रो फलोअर्स हुन्छ बिचमा उहाँदेखि लगाएर ईश्वर सम्म त्यो माथिल्लो तहमा हामी जुन भर्ना गर्छौँ सबै हाम्रो समय सकेर अहिले खाली छ। अब हाम्रो जवानहरूको यहाँको जन्म दिनुभएको जवानहरू पनि रिटर्न भएर रियल निक्लिरहेको छ। 3,000 चाम्चो छ, 5,000 चाम्चो अहिले खाली भएर हामीले लोकसेवामा फेरि पठाउनु पर्ने भएको छ। 2076 जेठ 6 गते से निर्माण कार्य सुरु कयल गेल भवन 8 करोड के लागत में निर्माण भइल बा। मौतरी के मटिहानी नगरपालिका 8 स्थित राजू हार्डवेयर दुकान के व्यापारियों पर आक्रमण करके लूटपाट के आरोप में प्रहरी 4 युवक के पकड़ ले बाटे। पकड़ाए वाला में मटिहानी 7 रहे वाला 30 वर्ष के राजीव यादव, 26 वर्ष के सूरज मंडल, 17 वर्ष के राम प्रवेश मंडल आ 21 वर्ष के केवल कुमार मंडल रहल। प्रहरी उपरीक्षक दिनेश कुमार आचार्य बताउले बानी। मंगर के रात 9 बजे के समय में 5 जने के समूह में आयल युवा दुकान के दरवाजा तोड़फोड़ करके भीतर ढुक के दुकानदार राजू चौधरी आ उनकर बेटा गौरव चौधरी के अश्लील गाली गलौज करे के साथ ही मोटरसाइकिल के हेलमेट आ लात से मारपीट कैल साथ ही लूटपाट कैल पीड़ित दुकानदार बतौले बड़न। मदिरा पी के आयल युवा के समूह दुकानदार राजू के दुकान के गल्ला पैसा राखे वाला जगह से 3 लाख रुपया आ एगो मोबाइल लूट के ले गए राजू बतौले बड़न। सप्तरी में जंगली हाथी के आक्रमण से 1 जने के जान गई बाटे। रात के गेहूं खेत में गई हनुमान नगर कंकालिनी नगर पालिका 1 भारदा के 65 वर्ष के नारायण प्रमाणी राज धोब ऊपर हाथी आक्रमण कैले रहे। घटनास्थल में हाथी के पैर के निशान दिखा पड़ल आ मृतक के छाती हाथ सहित शरीर के विभिन्न हिस्सा में नीलडाम देखा पड़ल कारण हाथी के आक्रमण से उनकर मृत्यु भइल। जिला प्रहरी कार्यालय के प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव प्रसाद काफली जानकारी दिले बानी। मृतक के लाल शव पोस्टमार्टम खातिर अस्पताल पेठावल गेल बा। घटना के बारे में थप अनुसंधान हो रहल बाटे। इन्हें पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत सप्तरी के शंभुनाथ नगर पालिका 3 में सवारी दुर्घटना में पड़के आजू 1 जने के मृत्यु भइल बा। पूरब से आ रहल नाछौखा
78 92 नम्बर के बस विपरीत दिशा से आ रहल स एक च 552 नम्बर के एम्बुलेंस के ठोकर देला बाद दुर्घटना भइल ह। दुर्घटना में पड़के सिराह के सुखीपुर के 50 वर्ष के छेदीलाल कामत के घटनास्थल में ही मृत्यु भइल। जिला प्रहरी कार्यालय जानकारी देले बा। ठनका के कारण दू जने के मृत्यु भइल बा। काल्हू रात गिरल ठनका के चलते बागलुंग आ स्याङ्जा के दू जने के मृत्यु भइल ह। मृत्यु के बला में ताराखोला गाउँपालिका दू सिले रहेवाला 45 वर्ष के खिमलाल खडेल आ स्याङ्जा के फेदीखोला 5 बायाँ फड्के रहेवाला 39 वर्ष के ईश्वरी लामी छाने के मृत्यु भइल। प्रहरी जनाउले बा ओहिलेखा ठनका गिर के ताराखोला गाउँपालिका 3 रातामाटा घर भइल। 45 वर्ष के कृष्ण कुमारी कार्की घायल भइल बाड़ी। गुवास में भैंसी दुहे जात समय ठनका से खिमलाल के मृत्यु भइल ह। ठनका लाके घायल भइल ईश्वरी के गंडकी अस्पताल पोखरा में इलाज के क्रम में मृत्यु भइल बा। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचार के साथ में अर्घाखाँची ओपीसीसी में सबै भन्दा स्तरीय सिमेन्ट। आज सोना के भाव तोला में 700 रुपया से बढ़ल बा। बजार में छापा वाला सोना प्रति तोला 90,500 रुपया में कारोबार भइल। नेपाल सुन चांदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। बीएफए के छापा वाला सोना प्रति तोला 89,800 रुपया में कारोबार भइल रहे। आज तेजाबी सोना प्रति तोला 90,000 रुपया में कारोबार हो रहल महासंघ जनौले बा। चांदी के भाव तोला में 10 रुपया से बढ़के प्रति तोला 1,300 रुपया में कारोबार हो रहा बा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना प्रति औंस 1,747 डॉलर के करीब में कारोबार हो रहा बा। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। तपाईं आफ्नो विद्यालय कलेज सामुदायिक केन्द्र वा गाउँमा पुस्तकालय बनाउन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्झनुहोस्। हामी तपाईँको आवश्यकता अनुसारका स्वदेशी र विदेशी पुस्तक सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउँछौँ। असल पुस्तकले जीवन परिवर्तन गर्दछ। जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेड। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका रूस विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगावल घोषणा कैले बा। अमेरिका 10 रूसी कूटनीतिज्ञ के भी देश छोड़ेला निर्देशन देले बा। रूसी प्रशासन केन्द्र क्रेमलिन अमेरिकी निर्वाचन में हस्तक्षेप विशाल साइबर आक्रमण आ अन्य शत्रुतापूर्ण गतिविधि कैल आरोप में अमेरिका से प्रतिबंध के घोषणा कैल बतौले बा। रूस आपन गतिविधि मार्फत अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक तथा आर्थिक वातावरण के अस्थिर बनौला पर अमेरिका प्रभावकारी ढंग से आगे बढ़ सकेला कहवाला संदेश राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकारी आदेश मार्फत देवे के खोजल बतावल गेल बा। कोरोना संक्रमण बढ़ला बाद दिल्ली सरकार वीकेंड कर्फ्यू लगावे के घोषणा कैले बा। वीकेंड कर्फ्यू आज रात 10 बजे से आवे वाला सोमवार के सवेरे 6 बजे तक लागू होखे। 5 हफ्ता में दिल्ली में कोरोना संक्रमित की संख्या 25 गुना से बढ़ला बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये निर्णय लेलन। ई सीजन विवाह के सीजन भइला से विवाह समारोह में सहभागी होखेला ई पास के व्यवस्था भी कैल जाए। नया नियम मुताबिक मॉल जिम स्पा ऑडिटोरियम बाजार आ निजी ऑफिस बंद रही। सिनेमा हॉल 30% दर्शक रखे किस्म से खुला रहे। रेस्टोरेंट में बैठ के खाए के ना मिली होम डिलीवरी मात्रे कैल जाए। अब खेलकूद समाचार। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स पहिलका जीत दर्ता कैले बा। कालू रात भइल खेल में दिल्ली कैपिटल्स के 3 विकेट से हरावत राजस्थान पहिलका जीत निकालना खा।
दिल्ली सिद्धिहल 148 रन के लक्ष्य, राजस्थान 19 ओवर 4 बल में 7 विकेट गवा के पूरा कैलक। इससे पहले टॉस हार के पहले बैटिंग कैल दिल्ली 20 ओवर में 8 विकेट गवा के 147 रन बनौले रहे। जीत संगे राजस्थान दो खेल में दो अंक जोड़ले बा, राजस्थान लीग के पांचवां स्थान में बा। दिल्ली दो खेल में दो अंक जोड़ के चौथा स्थान में बा, दिल्ली के ई पहल का हार हा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बार। कर्णाली प्रदेश के प्रदेश सभा बैठक में चल मुख्यमंत्री शाही आज प्रदेश सभा में विश्वास के मत ली हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण देखल गए विद्यालय एक हफ्ता बंद करे के काठमांडू महानगरपालिका के निर्णय, वैकल्पिक माध्यम से पढ़ावे ला सुझाव। वीरगंज महानगरपालिका में कोरोना संक्रमित के संख्या में लगातार वृद्धि, नेपालगंज उपमहानगरपालिका में आज से एक हफ्ता ला शैक्षिक संस्था सब बंद। अमेरिका द्वारा रूस विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगावल घोषणा, 10 रूसी कूटनीतिज्ञ के देश छोड़ेला निर्देशन। आ इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के पहल का जीत, दिल्ली कैपिटल्स 3 विकेट से हारल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब ट्विटर फेसबुक आ हमनी के वेबसाइट jantasamachar.com में भी पढ़ आ देख सकतानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमनी के प्रतिबद्धता। नमस्कार।